आज का हमारा टेंस है पास्ट इनडेफिनेट टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतलिक, फेल माजी मुतलिक। सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है, आसान तरीके में फिकरे की क्या की जाती है? पहचान। तो इसकी पहचान क्या है? सिंपल है, ता था, थे वगैरह। पहचान के बाद दूसरा हमारा काम क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इसमें फॉर्म क्या इस्तेमाल होती है? दूसरी, यानी सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। थर्ड काम जो इस टेंस में इस्तेमाल होता है, इमदादी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है डिड, लेकिन सिंपल फिक्रों में डिड इस्तेमाल नहीं किया जाता। मसलन मैं मिसाल लेता हूँ, अली स्कूल जाता था, अली स्कूल जाता था। तो ये इसका हम फिक्र क्या बनाएंगे? अली, अब इसमें हेल्प सिंपल फिक्र है, सिंपल फिक्रे में है इमदादी वर्ब इस्तेमाल नहीं होना। तो दूसरी बात क्या है? गो है जाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, अली वेंट टू स्कूल। इस तरह करके इसके फिक्रे बनाए जाएंगे। लेकिन अगर इसमें मनफी यानी इंटेरोगेटिव या सवालिया फिक्र आ जाता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो उसमें डेड का इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करें, मैं इसी का बना लेता हूँ, अली स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता था, है नहीं बल्कि जाता था। तो हम फिक्रा बनाएंगे, अली, तो अब तो डेड आएगा, अली डेड नॉट। अब जब डेड आ गया, डेड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह आपका ये टेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।